हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस कंपनी कोड में कैसे असाइन करते हैं जीएल को, और पोस्टिंग में पोस्टिंग कैसे करते हैं, और सिमुलेट करने पर कैसा आता है। तो प्रीवियसली वीडियो में हम ये बात किए थे कि क्रॉस कंपनी कोड होता है क्या है, और क्रॉस कंपनी कोड के लिए जो जो जी एल बी चाहिए वो बनाए थे। जैसे कि FS00 में मैं आपको डेमो दिया था मेरा डो कंपनी कोड A1D और TM11 में। जैसे कि TM11 में इंटर कंपनी कोड रिसीवेबल और इंटर कंपनी कोड पेबल बनाया हूँ, और A1D में इंटर कंपनी कोड रिसीवेबल और इंटर कंपनी कोड पेएबल बनाया हूँ। एसेट के अंदर रिसीवेबल रहेगा और पेएबल रहेगा आपका लाइबिलिटी के अंदर। तो चलिए आगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है या जीएल को कैसे मैप करते हैं वो देखते हैं। पहले तो जीएल को मैप करने के लिए आपके पास एक टी कोड है, टी कोड है OBYA, अच्छे से याद रखना OBYA। एंटर करेंगे तो आपको क्रॉस कंपनी कोड के लिए कंपनी कोड पूछेगा, क्या क्या कंपनी कोड। मेरा पहला कंपनी कोड A1D है और दूसरा कंपनी कोड TM11 है। मैं देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं मैच करके रखा हूँ, ये आपका डेबिट A1D के लिए है, पोस्टिंग इन A1D और क्लियर एग्नेस्ट TM01। पोस्टिंग होगा 40-40 मतलब डेबिट, और अकाउंट आपका ये रहेगा। ये कौन सा वाला अकाउंट है? 200102, ये आपका है इंटर कंपनी कोड रिसीवेबल। जैसे कि रिसीवेबल, ये है पेएबल, ये है रिसीवेबल, ये है पेएबल। इतना करने के बाद आपको सेव करना है। जब सेव करेंगे तो चलिए अभी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करने के वक्त क्या क्या जरूरी चीज़ है फिल करने को, और उसका सिमुलेशन कैसे होता है ये सब देखते हैं। तो पोस्टिंग करने के लिए AB50 में चलते हैं, AB50, और ये है आपका 04/10/11/2024 रेंट रिसीव। अभी रेंट रिसीव का मैं ID डाल रहा हूँ यहाँ पे, रेंट रिसीव। और पैसा किसके पास जाएगा? TM01 के पास जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले कंपनी कोड सिलेक्ट करूँगा, नीचे जो है यहाँ पे TM11। उसके बाद यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट जाएगा, पैसा बैंक अकाउंट मेरा TM01 के पास गया। और यहाँ पे ये डेबिट रहेगा, सॉरी यहाँ पे ये डेबिट रहेगा, यहाँ पे क्रेडिट रहेगा। यहाँ पे मैं 10,000 का, मान लीजिए मैं 10,000 का एक पोस्टिंग राइज करना चाहता हूँ। अभी सिमुलेट करूँगा तो आपको देखिए जैसे कि रेंट अकाउंट डेबिटेड टू ICICI बैंक अकाउंट में क्रिएट किया था, लेकिन दो कंपनी कोड ऑटोमेटिकली, दो लेजर ऑटोमेटिकली आ गए, इंटर कंपनी कोड रिसीवेबल, इंटर कंपनी कोड पेबल। इसके एक नेक्स्ट में ये है, और ये इसके एक नेक्स्ट में ये है। तो अभी सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर आपने